हेलो दोस्तों, वेलकम टू तो माय चैनल। हम लोग आज बनाएंगे साग, सरसों का साग है और यहाँ पर बैंगन भी मिक्स किए हैं। देखिए मिक्स करके बनाएंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई हम लोग ले लिए हैं, तो गर्म होने के लिए रख लीजिएगा। जब जितना साग है उसी अनुसार वेट रखिएगा। चार दाना मेथी रखिएगा दोस्तों, इसको मेथी को ब्राउन करिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का मेथी ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम लोग साग रख देंगे। साग और थोड़ा सा बैगन का यूज किए हैं। सरसों के साथ में बैगन डालते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर हम लोग चार मिर्ची लिए थे, इसको काट लिए हैं बारीक। देखिए हम इसको सरसों के साथ में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा जितना नमक होगा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक रख दीजिएगा, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हल्दी पाउडर। तो हम लोग का साग एकदम गल गए। इन सबको हिलाकर थोड़ा सा ढक दीजिएगा। चला दीजिएगा इसको दोस्तों, उलट पलट के। बहुत अच्छे से गल जाएगा तब उसका साग रेडी होगा। अभी हम लोग गलाएंगे इसको अच्छे से। हम लोग एक बार देखेंगे कि हम लोग का साग हुआ है कि नहीं। ये पानी सब एकदम अच्छे से सूख गया है साग जी का। अब साग भी हम लोग का कितना अच्छा से गल गया है। इसको ऐसे मिलाइएगा। अब खूब भूजिएगा इसको, जितना भूजिएगा उतना ही अच्छा आता है टेस्ट। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कलर कितना बेस्ट आ गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग का साग एकदम बन के रेडी है। साग हम लोग का कितना अच्छा कलर भी आया है, कितना अच्छा से बिना मसाला के साग आप लोग खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी होता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, बेहतरीन रहता है। देखिए कितना अच्छा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना। देखिए दोस्तों, हम लोग का कितना अच्छा हुआ है साग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।